भारत गौरव आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव के प्रवचन और लेटेस्ट धार्मिक भजन व कार्यक्रम निशुल्क देखने व सुनने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल जीन शरण मीडिया को आज ही सब्सक्राइब करें और सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें। प्यारी प्यारी भव्य आत्माओं, मुझे आज नहीं लग रहा था कि मैं आ पाऊंगा। सुबह से बुखार है, यही हो गया था कि मैं कार्यक्रम में नहीं पहुंच पाऊंगा। लेकिन मेरे भीतर एक बात आई जो मुझे यहां तक आना पड़ा कि जब टेम्परेचर 20 डिग्री हो जाता है तो इस देश में ठंड लगने लगती है। जब टेम्परेचर 16 डिग्री हो जाता है तो गर्म कपड़े निकल आते हैं। जब 12 डिग्री हो जाफलर है तो कान में मफलर लगा लिया जाता है। जब 8 डिग्री टेम्परेचर हो जाता है तो हाथ पैर कांपने लगते हैं। जब 4 डिग्री टेम्परेचर हो जाता है, 2 डिग्री हो जाता है तो अलाव जलने लगते हैं। और जब टेम्परेचर 0 हो जाता है तो पानी जम जाया करता है। विचार करिए, और जब -20 डिग्री टेम्परेचर हो जाता है तो सियाचिन की सीमा में हमारे जवान 12 किलो की बंदूक और 20 किलो की रसद लिए खड़े रहते हैं देश के लिए। जब ये लोग देश के लिए खड़े रहते हैं, विचार करिए, हम जिन्हें नहीं जानते हैं वो हम पे जान लुटाते हैं। किसी सैनिक से कोई परिचित तो होता नहीं है। जो हमें नहीं जानते वो हम पे जान लुटाते हैं। तो मैंने कहा, मैं बीमार भी रहूं तो चलना मेरा धर्म है। आज राष्ट्रीय पर्व है, आज देश का पर्व है, देश का पर्व है। आज लोग दिवाली मनाते हैं, होली मनाते हैं, राष्ट्रीय पर्व इतने उत्साह से नहीं मनाते। लेकिन बारामती में कह सकता हूं कि 23 साल से मैं संत वन की 15 अगस्त का ये जश्न आजादी मनाता हूं। लेकिन जो बारामती में हुआ है वो आज तक हुआ नहीं मेरे लिए। इतना उमंग देश के प्रति, राष्ट्र के प्रति, क्या जैन, क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या सिख, सब उमड़ पड़े राष्ट्रीय पर्व मनाने के लिए। मान्यवर, मैं बहुत आनंदित हूं, आज बहुत खुश हूं, प्रसन्न चित्त हूं। कहीं भी चले जाना, हमारे जैसा देश ना मिलेगा। आज पूरा पांडाल तिरंगा में रंग गया है। मैं तो कहता हूं कि आज यदि पाकिस्तान छेड़े तो सैनिकों की जरूरत नहीं, बारामती निपटा दे। वो देशभक्ति का जज्बा जगा है। ये बात मैं जरूर कहूंगा कि अभी जो प्रस्तुतियां हुई, मेरी एक लोगों में पहचान है कि जब मैं बोलता हूं तो लोग संवेदनशील हो जाते हैं, आंखें भर आती हैं। आज पहली बार इन प्रस्तुतियों ने मेरी आंखें भरी है। है किसी देश के पास इतना वैभव, इतना बड़ा इतिहास, वो केवल मेरे भारत के पास है। अमेरिका चले जाना, चीन चले जाना, जापान चले जाना, रूस चले जाना, पाकिस्तान तो जाओ नहीं जाओ बराबर ही, जाके करोगे भी क्या, विचार करिए। कहीं भी चले जाओ दुनिया के किसी भी कोने में, हर देश के पास अपना एक इतिहास होता है। लेकिन मेरे हिंदुस्तान जैसा इतिहास किसी देश के पास नहीं हुआ करता है। जाओ दुनिया को देख लो,
घूम करके आ जाओ। दुनिया के किसी भी देश के पास ऐसा बेटा है, किसी के पास नहीं होगा ऐसा बेटा कि पिता के वचनों के खातिर जो 14 वर्ष का वनवास स्वीकार कर लिया करता है, ऐसा अमर इतिहास दुनिया में किसी के पास नहीं होगा। है कहीं जाकर के देखो, ऐसा बेटा है दुनिया में किसी देश के पास कि अंधे मां बाप को तीर्थ यात्रा की भावना जगे तो कांवड़ पर बिठाकर पूरे हिंदुस्तान की यात्रा करा दे। ऐसा बेटा केवल भारत में पैदा हुआ करता है, मेरे हिंदुस्तान में हुआ करता है। होंगे ईंट पत्थरों के इतिहास सबके पास, मेरे भारत जैसा इतिहास दुनिया में किसी के पास नहीं होगा कि एक भाई यदि 14 वर्ष वनवास में रहता है तो दूसरा भाई महलों में भी वनवासी बन करके अपना जीवन गुजार दिया कर। क्या अमर इतिहास है? है किसी देश के पास ऐसा, ऐसी स्वामी भक्ति किसी देश के पास है कि अपने स्वामी के, अपने राजाओं के, राजपुत्रों की जान बचाने के लिए मेरे राजस्थान की पन्ना धाय अपने बेटे को कुर्बान कर दिया करती है? है कोई ऐसी? ध्यान रखिए, कहीं नहीं मिलेगा ये अमर इतिहास, केवल हिंदुस्तान में मिलता है। वो मेरे पिता का माथा किसी के सामने ना झुके, इतना शौर्य वाली कोई बेटी धरती पर है तो मेरे हिंदुस्तान में है कि ऋषभ देव का माथा जगत में ना झुके तो ब्राह्मी सुंदरी आजीवन विवाह का त्याग कर दिया करती है कि हम विवाह नहीं करेंगे लेकिन अपने पिता का माथा नहीं झुकने देंगे। है कहीं ऐसी विरासत, ऐसी संपदा किसी देश के पास कि राणा की बेटी घास की रोटी खाना स्वीकार करती है लेकिन किसी के सामने झुकना स्वीकार नहीं, हाथ नहीं फैलाया कभी ना? बहुत इतिहास है। यदि इतिहास के पन्ने पलटने बैठूं तो 71वीं की आजादी, 72वीं आजादी हो जाएगी और भारत का इतिहास का गुणगान नहीं हो पाए। बहुत अमर इतिहास है मेरे देश के पास। मेरे हम वो देश के लोग जिसने कभी किसी की जमीन पर बुरी निगाह नहीं डाली, पड़ोसियों की तरह। क्या है, पड़ोसी के हाल बड़े गड़बड़ है, मांगती रहता है कश्मीर दे दो, कश्मीर दे दो, कश्मीर दे। अरे ऐसे मांग रहे, कश्मीर कोई प्लास्टिक का खिलौना है जो तुमको उठा के दे दे? विचार कर, कश्मीर दे दो, मुझे तो समझ नहीं आता है। अमेरिका से कहता है पैसे दे दो, पैसे दे दो। जापान से कहता हथियार दे दो, हथियार दे दो। भारत से कहता है कश्मीर दे दो, कश्मीर दे दो। मुझे यार ऐसा लगता है कि पाकिस्तान जब हर किसी से मांगती रहता है तो फिर अपने झंडे पे चांद सितारे क्यों बनाए, कटोरे का निशान बना दे, सारी दुनिया तुझे दे देगी। मांगना दे तो कुछ नहीं सकता, ये दे दो वो दे दो, खुद से कुछ कमाया नहीं जाता है, दूसरों के स्वर्ग पे निगाह रखा करते हैं। ध्यान रखिए, विचार करना है आपको, कैसे दे दे कश्मीर? आज ये पुलक सागर नहीं बोल रहा है, ध्यान रख। आज मैं कोई संत की हैसियत से प्रवचन नहीं कर रहा हूं, इस देश का संत हूं, उस देश में रहता हूं तो राष्ट्र के प्रति भी मेरी कोई भक्ति और दायित्व हुआ करता है। ध्यान रखिए, एक पत्रकार ने मुझसे पूछा कि राष्ट्र बड़ा होता है, धर्म बड़ा होता है या समाज बड़ी होती है? मैंने कहा दुनिया की परिभाषा कुछ भी हो लेकिन पुलक सागर कहता है यदि मेरे लिए व्यक्तिगत पूछा जाए तो ना धर्म बड़ा होता है ना समाज बड़ी होती है, सबसे बड़ा होता है तो राष्ट्र हुआ करता है। क्योंकि राष्ट्र सुरक्षित है तो धर्म सुरक्षित है और धर्म सुरक्षित है तो समाज। राष्ट्रभक्ति से बड़ा और कोई चीज नहीं हुआ करती, सबसे बड़ी देशभक्ति हुआ करती है। मानने वाले, राष्ट्र से बड़ा क्या होगा? तो मैं आज राष्ट्र के लिए बोलूंगा, देश के लिए बोलूंगा। आज मैं धार्मिक नहीं,
मेरे हृदय में देशभक्ति का जज्बा जागृत है, ध्यान रखिए। कश्मीर दे दो, कश्मीर दे दो। अरे कश्मीर भारत की तकदीर है भाई, ध्यान रखना, कश्मीर भारत की तकदीर है। और जरा उनसे पूछो, पाक के नापाक लोगों से, कि कोई अपनी तकदीर किसी को दे सकता है क्या? बताइए, कोई अपनी तकदीर किसी को नहीं दे सकता है। मान्यवर, भारत वो देश है जो किसी के जमीन के टुकड़ों पर अपनी निगाह नहीं डालता है। अरे पाकिस्तान वालों से कहना, तुम्हारे पास तो रहने के लिए जमीन भी नहीं थी, खाने के लिए रुपए नहीं थे, मेरे भारत ने तुम्हें रुपए दिए हैं खाने के लिए, घर बसाने के लिए जमीन तुम्हारा है क्या? जो है वो हमारा है। ध्यान रखिए, विचार करना है आपको। चाइना अभी चिल्ला रहा है, मुझे समझ नहीं आता है। लोगों ने कहा कि चाइना के सामान का बहिष्कार करो, चाइना से जो भी आ रहा है उसे बहिष्कार करो, कोई मत खरीदो, अपने देश के प्रति गर्व करो। बहिष्कार करना चाहिए, मैं भी समर्थन में नहीं हूं, बहिष्कार करो वहां के सामान का, लेकिन मैं थोड़ा सा नेताओं से पूछना चाहता हूं, जनता से तो बहिष्कार कराते हो, फिर उनका माल भारत में मंगाते क्यों हो? यदि मंगाना बंद कर दो तो जनता को बहिष्कार करने की कोई जरूरत नहीं। मंगाया भी जाता है, चाइना में होली नहीं मंगाई जाती लेकिन रंग चाइना से आता है हमारे यहाँ, चाइना में दिवाली नहीं मनाई जाती, पटाखे दिवाली के यहाँ आते हैं। पहले देश के नेताओं को एक संकल्प करना चाहिए कि किसी भी बंदरगाह या किसी भी प्लेन से चाइना का सामान हमारे हिंदुस्तान में नहीं आना चाहिए। चाइना से लड़ाइयां चल रही है, डोकलाम की बात चल रही है, रास्ता बना रहा है, रोड बना रहा है चाइना। मैं आज के दिन यही संदेश देना चाहता हूं, चाइना को यही संदेश देना चाहता हूं कि हम तुमको पड़ोस में रहना है, लड़ाई झगड़े बंद कर दीजिए। ध्यान रखिए, रहना तो साथ साथ है, लड़ लेंगे फिर भी साथ रहेंगे, पड़ोसी है, सीमा लगी हुई है, फिर लड़ने झगड़ने से क्या होता है? क्या करोगे? रोड बनाओगे? भारत पर आक्रमण करोगे? ध्यान रखना, आपसे निवेदन, 1962 की याद दिलाता है चाइना, बहुत बदल गया है 62 के बाद मेरा हिंदुस्तान, ध्यान रखना। आप ये सोचिए, गलत फहमी में मत रहिए, अब वो भारत, ये भारत वो भारत नहीं है, ध्यान रखना, 21वीं सदी का ये भारत है। और मैं आपसे पूरी दुनिया की याद दिलाना चाहता हूं कि यूरोप में 10% युवा है, ध्यान रखना, 10% युवा है यूरोप में, अमेरिका में 12% युवा है, चीन में 37% युवा है, और मेरे हिंदुस्तान में 62% युवा है। ये दुनिया का नक्शा बदल सकते हैं, ये दुनिया की सोच बदल सकते हैं। ओबामा ने कहा था ना अमेरिका वालों को कि सावधान, ये हिंदुस्तानी बहुत आगे बढ़ रहे हैं, अब हमें संभल करके रहना पड़ेगा। ध्यान रखिए, परमाणु विस्फोट हुआ, अमेरिका ने पाबंदी लगा दी, हम भारत को मुद्रा नहीं देंगे, हम भारत को वीजा नहीं देंगे, हम भारत को उपकरण नहीं देंगे, मत दो। अटल जी ने कहा हम तो अटल रहेंगे, चाहे तुम्हें देना हो तो दो और नहीं देना तो मत दीजिए। पाबंदी लगा दी 3 चीजों पर कि हम तुम्हें पैसा नहीं देंगे, उपकरण नहीं देंगे, वीजा नहीं देंगे। अटल ने कहा कोई बात नहीं, ठीक है मत दो। ज्यादा देर नहीं लग सका है पाबंदी, जब खाड़ी युद्ध हुआ तो अमेरिका को वीजा भी देना पड़ा, उपकरण भी देना पड़े, पैसा भी देना पड़ा। 80,000 सैनिक मेरे हिंदुस्तान से वहां बुलाए जाते हैं, यदि 80,000 सैनिक नहीं जाते तो एक बात ध्यान रखिए, अमेरिका को जलियान बनाना तो आता है, चलाना तो मेरे हिंदुस्तान के सैनिकों को आता है। ध्यान रखिए, भारत से बुलाए गए थे 80,000 सैनिक, द्वार खोलना पड़े अमेरिका को, ध्यान रखिए। मान्यवर, अमेरिका दादा है,
दादा बन रहा है पूरे देश में, दुनिया का। चाइना बाप बन रहा है, बन जाओ। मेरा हिंदुस्तान ना दादा है ना बाबा है, मेरा हिंदुस्तान तो भारत माता है, ध्यान रखिए। एक बार जापान, जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ तो जापान के कुछ सैनिक और हिंदुस्तान के सैनिक उस विश्व युद्ध में सीमा पर खड़े हुए हैं, लड़ रहे हैं। ध्यान रखना, बड़ी मार्मिक घटना है। जापान के सैनिक को प्यास लगी, भारत के सैनिक को घायल किया उसने, लेकिन जापान के सैनिक को प्यास लगी, पानी पानी करके तड़पने लगा वो युद्ध के क्षेत्र में। और जब पानी पानी को तरसा तो एक भारतीय सैनिक के पास एक बोतल में पानी था। उसने कहा, इसने हथियार डाल दिए हैं, भारत की संस्कृति है, अब इंसानियत का काम लेना चाहिए। और उसे बुलाया कि आओ मेरी बोतल का पानी पी लो। जैसे ही वह पानी पीने आया, बोतल से जैसे ही पानी दिया भारत के सैनिक ने, और जापान के सैनिक ने कटार निकाली और भारतीय सैनिक के सीने में कटार खोप दी। दोनों घायल थे। फौज की अस्पताल में भर्ती किया गया, दोनों घायल पड़े हैं। इधर जापान का सैनिक पड़ा है, इधर हिंदुस्तान का सैनिक पड़ा है। इलाज हुआ 8 दिन तक। इलाज होने के बाद जापान का सैनिक लेटा है, उधर भारत का लेटा है, शर्मिंदा हुआ। भारत के सैनिक के हाथ में दूध का गिलास था, भाई उठा अपने पलंग से और जापान के सैनिक से कहा, दूध पी ले। उसने कहा, दूध पी ले, मैंने तो तुझे छुरा मारा है और तू कह रहा दूध पी ले। उसने कहा, मुझे माफ कर मेरे भाई, उस दिन तो मैं तुझे अच्छे से पानी ना पिला पाया, लेकिन आज इस अस्पताल में दूध पी ले मेरे हाथ से, मैं तुझे दूध पिला रहा हूं। जैसे ही देखा जापान के सैनिक की आंख भर आई, उसने दूध पिया और पहली बार उसने कहा इस दुनिया से कि मुझे आज समझ में आया है, आज पहली बार मैं समझा हूं कि भारत को माता क्यों कहा जाता है। ध्यान रखिए, क्योंकि भारत वो माता है जो अपने ही संतान को नहीं बल्कि दुश्मन की संतान को भी दूध पिलाना जानती है। इसलिए से भारत ध्यान रखना, और किसी को माता नहीं कहा। कभी सुना तुमने अमेरिका माता? जमता है क्या? कहीं चाइना माता, पाकिस्तान माता, माता के नाम पे कलंक हो जाएंगे, तो ध्यान रखिए, विचार के नहीं। कभी जापान माता, किसी देश को माता लगाओ फिट ही नहीं होता है, अमेरिका दादा, चाइना बाप, लेकिन भारत माता, इसलिए उनको फिट नहीं। नहीं, इनके संस्कार को तो छोड़ो, इनके नाम में नहीं जुड़ता है, कभी बोल के देखना जय चाइना माता, फिट ही नहीं होता है कहीं से कहीं तक। जय अमेरिका माता, जय रूस माता, कहीं से फिट नहीं होता है मेरे भाई। एक जुबान में निकल जाता है भारत माता कह करके दुनिया बुलाए। माता शब्द तो केवल भारत के साथ फिट हुआ करता है, क्योंकि इनके पास तो माता के संस्कार भी नहीं हुआ करते हैं। मां के असली संस्कार यदि कहीं है तो केवल हिंदुस्तान के पास हुआ करते हैं।